खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने आज एक ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें एक राज्यपाल के लिए विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए हों? क्या आपने किसी राज्यपाल को सड़क पर उतरकर इधर से उधर दौड़ते भागते कभी देखा है? क्या आपने ये देखा है कि राज्यपाल जो राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है यानी चांसलर है, वो वाइस चांसलर से मिलने जाए और दरवाजा बंद मिले और राज्यपाल बंद दरवाजे के बाहर तस्वीरें खिंचवाए? ये सब कुछ हुआ ममता बनर्जी के राज में। देखिए, कोलकाता में विधानसभा के इस गेट से उस गेट तक भागते ये कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ममता बनर्जी के राज में। एक राज्यपाल की हालत ये है कि विधानसभा में उनके घुसने पर पाबंदी लग गई। राज्यपाल जो राज्य में संवैधानिक पद की वरिष्ठता सूची में सबसे आगे हैं, वो पैदल सड़क पर भागते दिख रहे हैं। आखिर ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ, इसे जानने से पहले थोड़ा पीछे चलिए और ममता बनर्जी का एक वीडियो देखिए। ये इसी साल फरवरी की तस्वीरें हैं। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के समर्थन में ममता बनर्जी ने संविधान बचाओ नाम से एक धरना दिया था। और अब संविधान बचाने का नारा लगाने वाली ममता बनर्जी कुछ इस तरह उसी कोलकाता में बीच सड़क पर संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विधानसभा जाने का कार्यक्रम था, लेकिन विधानसभा का ताला बंद था और राज्यपाल अंदर नहीं जा सके। सेक्रेटरी कन्वेड दैट द ऑनरेबल स्पीकर वुड लाइक टू हैव लंच विद मी एंड देयर वाज आल्सो एन इनविटेशन दैट माय वाइफ शुड आल्सो जॉइन फॉर लंच। After about more than an hour, the Secretary of the Assembly again calls the Special Secretary Rajbhavan that this will not happen. सवाल है कि जब स्पीकर ने लंच कैंसिल कर दिया तो राज्यपाल लंच करने क्यों पहुंच गए? गेट बंद था तो इसलिए विधानसभा के बाहर अफरा तफरी मच गई। गेट पर ही खड़े खड़े राज्यपाल ने मीडिया को अपनी फरियाद सुनाई। मैसेज टू द स्पीकर, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, माय स्पेशल सेक्रेटरी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली दैट द स्पीकर ऑफ द असेंबली was very happy to learn that I am coming. That was conveyed from the mobile of the Secretary of the Assembly to the Special Secretary Raj Bhavan on his mobile. And the Secretary conveyed that the Honorable Speaker would like to have lunch with me. बुधवार को राज्यपाल जब कोलकाता यूनिवर्सिटी गए तो वहां भी ताला लटका था। ये उसी की तस्वीर है। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर राज्यपाल यानी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बेबस खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ना तो ताला खुला और ना ही वाइस चांसलर मिलने आए। यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ चांसलर बिजी नहीं थे, तो अभी वो गए असेंबली में। स्वाभाविक, उन्होंने बोला कि मैं एक ही बार गया था भाषण देने, ना तो गेट खुला हुआ है। इस प्रकार से एक प्रकार उनको बैकट नहीं और अपमानित किया जा रहा है, एक प्रकार सांविधानिक संकट है ये। ममता बनर्जी पर तानाशाही के आरोप लगते रहे, आज उनकी तस्वीर भी आ गई। मोदी सरकार से ममता का बैर पुराना है। मोदी सरकार के आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल ने खुद को अलग किया। नवंबर 2018 में कोलकाता में सीबीआई जांच की इजाजत नहीं दी। दिसंबर 2016 में कोलकाता में सेना के रूटीन अभ्यास पर सवाल उठाए। केंद्र पर पश्चिम बंगाल में सेना तैनाती का आरोप लगा दिया। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक को रैली के लिए हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी। यही नहीं, राज्यपाल के लिए विधानसभा का गेट बंद करवाने वाली ममता सरकार ने जिलों के दौरों के लिए भी उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया था। हालांकि जब राज्य की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में होती है तो राज्यपाल भी ममता पर सीधे हमले करने से नहीं चूकते। खुली आंख से और खुले कान से ये कहता हूं, भय का वातावरण है। खुली आंख से और खुले कान से कहता हूं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ पुलिस। द नंबर इज वेरी लार्ज। स्टेटिस्टिक्स का पता लगा लीजिए,
यदि अगर राजनीतिक द्वेषता की वजह से लोगों को मारकर पेड़ों पर लटका दिया जाता है, ये अत्यंत गंभीर मामला है। अब सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल के इन्हीं तीखे हमलों की वजह से ममता बनर्जी बिफरी पड़ी हो, लेकिन राज्यपाल के साथ विधानसभा के बाहर जो हुआ वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान है, जिसने बीजेपी को ममता पर हमले का मौका फिर से दे दिया है। ममता बनर्जी कभी प्रधानमंत्री मोदी को कुर्ता और मिठाइयां भेजा करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटों की मजबूती ने इस रिश्ते को कमजोर कर दिया। राज्यपाल और राज्य सरकार की यह लड़ाई भी उसी का हिस्सा है। इस लड़ाई से पार्टी भले ही मजबूत हो, लेकिन सिस्टम कमजोर होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस लड़ाई में एक बहुत ही बुनियादी बेसिक जिसे कहते हैं उस चीज को भूल गए हैं, और यही हम मास्टर स्ट्रोक के जरिए उन्हें याद दिला रहे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, मतभेद रखिए, मनभेद नहीं।